नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल में सरकार के कार्यकाल का एक साल पूरा हो गया है और उसके साथ ही लंबे समय से अटका मंत्रिमंडल विस्तार भी अब हो गया है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और मंत्रिमंडल विस्तार चुनाव को ध्यान में रखकर ही सीएम सुक्खू ने किया है। मंत्रिमंडल में दो पद भर दिए गए हैं। सरकार के मंत्रिमंडल में अब एक कुर्सी खाली रह गई है। ये कुर्सी किसकी होगी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यही नहीं, अगला मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा ये भी अहम सवाल है, क्योंकि पहला विस्तार एक साल के बाद हुआ है। मंत्रिमंडल में अब पद चाहने वाले कई चेहरे हैं, लेकिन क्या उनकी हसरतें पूरी हो पाएंगी या कहा नहीं जा सकता। राजेश धर्मानी को पहले से ही मंत्री बनाए जाने के कयास थे। लगातार एक साल से इसकी चर्चा रही, मगर दूसरा नाम यादवेंद्र गुमा का होगा ये थोड़ा सा हैरानी भरा रहा, क्योंकि कई बड़े दिग्गज कतार में थे और अभी भी हैं। जिन नेताओं की हसरत पूरी नहीं हो पाई, उनमें से किसी एक को ही मौका मिलेगा। ऐसे में राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, विनय कुमार, इंद्रदत्त, लखनपाल, संजय रतन, सरीखे नेताओं का क्या होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। कांगड़ा से अनदेखी के आरोप सरकार पर हमेशा लगते रहे हैं और अब कांगड़ा को एक और पद देकर सरकार ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में इसका कितना असर होगा ये समय बताएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक तीर से कई निशाने जो हैं वो साध दिए हैं। एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रहे दबाव को कम किया, तो वहीं कांगड़ा को और महत्व दे दिया। इसके अतिरिक्त एक पद खाली रखकर सभी की संभावनाएं भी खुली रखी। गोमा की पदोन्नति से कांगड़ा जिले को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलने वाला है, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 15 विधानसभा क्षेत्रों में से 10 पर जीत हासिल की थी। अब तक कृषि मंत्री चंद्र कुमार कांगड़ा से एकमात्र कैबिनेट मंत्री थे। आरक्षित वर्ग से आने वाले गोमा मंत्रिमंडल में एक युवा चेहरा होंगे और उनके शामिल होने से कांगड़ा में पैदा हुआ असंतुलन ठीक हो जाएगा। धर्मानी के मंत्री के रूप में शामिल होने से मंत्रिमंडल में ब्राह्मण समुदाय के साथ साथ बिलासपुर जिले को भी ज्यादा महत्व मिलने वाला है। अब तक उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ब्राह्मण समुदाय से आने वाले एक मंत्री थे। धर्मानी को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के प्रतिनिधित्व वाले हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से भी शामिल किया गया है। कुल मिलाकर राजनीति की चौसर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह दिखाया है कि वह पुराने राजनीतिज्ञ हैं और इस चौसर के मंजे हुए खिलाड़ी हैं। मगर उन नेताओं का अब क्या होगा जो एक साल से सपना संजोए बैठे थे, वह नेता आगे क्या करेंगे यह भी देखने वाली बात होगी। सुधीर शर्मा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं और पार्टी में उनका बड़ा कद भी है, मगर पार्टी ने उनको ओहदा नहीं दिया, जिससे उनके समर्थकों में नाराजगी है। वहीं राजेंद्र राणा भी कद्दावर नेता हैं और ये दोनों नेता वीरभद्र कैंप के खास रहे हैं। इनको बड़ा झटका इस विस्तार से जरूर लगा है। फिलहाल कैबिनेट की खाली कुर्सी की सियासत अब किस किस को नाच नचाती है ये देखना बाकी है। लेकिन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट विस्तार के बाद क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। देखिए मंत्रिमंडल में आज तक का जो सबसे छोटा मंत्रिमंडल था हमारा, उसमें अब हमने विस्तार किया है एक साल बाद, जिसमें हमने दो मंत्री उनको बनाया है और ये विस्तार अभी आवश्यक था। इससे पहले जब भी कोई मुख्यमंत्री होता था वो पूरे 12 के 12 मिनिस्टर्स बना देते थे, लेकिन हमने अपने मंत्रिमंडल को थोड़ा छोटा रखा था और जब कहा जरूरत हमें महसूस हुई तो हमने इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया है और अभी एक पद इसमें मंत्रिमंडल का खाली है, जिसे जल्दी आने वाले समय में भरा जाएगा। कब तक भरा जाएगा? नहीं, हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले भी उसको भर सकते हैं और निश्चित तौर पर अभी हमारे डिप्टी स्पीकर है और मंडी से भी एक व्यक्ति को हम इसमें क्या कहते हैं अपने
जो पोस्टें होती हो उसमें जगह देंगे। सर पार्लियामेंट्री वाइज देखिए, अब नए मंत्रिमंडल बने हैं, पोर्टफोलियो दिया जाएगा, थोड़ा बहुत रीशफल जहां होना होगा उसको करेंगे। सर पार्लियामेंट्री वाइज तालमेल बिठाने का प्रयास? हाँ, पार्लियामेंट वाइज तालमेल बिठाने का प्रयास किया गया है और पार्लियामेंट वाइज और जो समीकरण है, जातिगत समीकरण भी होते हैं, उस आधार पर इसको बिठाने की हमने कोशिश की है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर जो कांग्रेस की विकास है उसमें सरकार हिमाचल प्रदेश का जो विकास करना है, सभी मंत्रिमंडल के सदस्य मिलकर हिमाचल प्रदेश के आत्मनिर्भरता की जो हमने नींव रखी है उसमें आगे बढ़ेंगे। मंडी को भी मिलेगी जगह सर? मंडी, हाँ, मंडी से चंद्रशेखर जी को आने वाले समय में जगह मिलेगी। नहीं, मैं कल जा रहा हूँ दुबई। इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरह से आप मानते हैं? नहीं, अब दुबई में जो 4-5 इन्वेस्टमेंट है, हम चाहते हैं कि जिस चीज़ से राज्य को आए हो उस प्रकार के इन्वेस्टमेंट आए, राज्य से आए बाहर ना जाए, हमारी राजस्व की उगाही हो, उस दृष्टिकोण से मैं 2 दिन के लिए दुबई, और आने वाले समय में किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट आएगी वो आपको भी पता चल जाएगा। धन्यवाद। तो लंबे वक्त बाद हिमाचल में कैबिनेट विस्तार हुआ है और उसके क्या मायने हैं आज समझने की कोशिश करेंगे। जीएस तोमर कांग्रेस की तरफ से, संजय शर्मा बीजेपी की तरफ से, उज्ज्वल शर्मा जो हैं वो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। जीएस तोमर जी, एक लंबे वक्त बाद आपने हिमाचल में कैबिनेट विस्तार किया है और मुझे लगता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं, जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों को साध लिया है। क्या लगता है आपको कि जो आपके बचे हुए दावेदार हैं, एक कुर्सी खाली है, उनसे कैसे निपटेगी कांग्रेस? अनिल ठाकुर जी, इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज जो मेहमान डिबेट में जुड़े हैं उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, जो ठाकुर सुखविंदर जी सुक्खू का जो फैसले हैं, आप देख रहे हैं लगातार जिस तरह से समयबद्ध तरीके से और एक समय टाइम टू टाइम स्टेप बाय स्टेप जो एक्शन लिया जा रहा है, जो फैसले लिए जा रहे हैं, वो अपने आप में काबिले तारीफ है और इस बात को शायद विपक्ष भी मानेगा और पूरा हिमाचल भी देख रहा है। जो भी अभी तक फैसले हो रहे हैं, बहुत लंबा समय नहीं हुआ था, लगभग 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, उसके बाद जो 3 मंत्री पद खाली थे उनको लेकर 2 पद भर दिए गए हैं। अब जो विपक्ष हू हल्ला कर रहा था और काफी टाइम से कह रहा था कि मंत्री बनाने में कहीं ना कहीं खींचतान चली है, मुझे लगता है जो मंत्रिमंडल अब तैयार होकर जो हिमाचल में काम करेगा, जिसमें वरिष्ठता को भी ध्यान में रखा गया है, जातीय समीकरण को भी देखा गया है, क्षेत्रीय समीकरण को भी देखा गया है, और सभी लोगों का जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो ध्यान रखा, ख्याल रखा है, मुझे लगता है अपने आप में एक मिसाल है और विपक्ष भी इस बात को सहज स्वीकार करेगा कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो अनुभव आपने पार्टी के अंदर संगठन में देखा, 40 साल से जो उन्होंने काम किया, वो आप अभी आप उसकी झलक आपको प्रदेश में सरकार चलाने में भी देखने को मिल रही होगी। मेरा ये मानना है कि जो आप ठाकुर साहब पूछ रहे हैं अनिल जी, कि एक पद जो रह गया है उसको लेकर भी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी इस तरह से फैसला लेंगे कि किसी तरह का कोई नाराजगी नहीं होगी, किसी का मलाल नहीं होगा और सबको लगेगा, प्रदेश को भी लगेगा और पार्टी हाईकमान को भी लगेगा और जो विधायक जीत के आ गए उनको भी लगेगा कि जो फैसला किया है, जो पद भरा गया है, वो अपने आप में बिल्कुल सही फैसला और सही टाइम पे लिया गया फैसला है। तो मुझे लगता है कि जो अभी तक का जो कोई भी काम प्रदेश सरकार कर रहा हो, चाहे आपदा से निपटने का रहा हो, चाहे अर्थव्यवस्था जो व्यवस्था परिवर्तन को लेकर जो नारा दिया था और उसको लेकर जो प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है, मुझे लगता है उसी के तहत जो काम आगे बढ़ रहा है उसको लेकर ये मंत्री पद का जो पद भरे गए वो अपने आप में मिसाल है और काबिले तारीफ है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि विपक्ष भी मान रहा है कि कितने अनुभवी खिलाड़ी हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, विपक्ष से जान लेते हैं। संजय शर्मा जी, आप सुन रहे थे जीएस तोमर जी को। देखिए, मंजे हुए खिलाड़ी हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने जैसा वीरभद्र जी करते थे वैसा ही कुछ उन्होंने एक्सपेंशन किया है कि एक पद खाली रख दिया और फूट ना पड़े, जो दावेदार बचे हुए दावेदार हैं वो बैठे रहें चुपचाप कि हो सकता है उनका अगला नंबर हो। क्या लगता है आपको कि ये जो कैबिनेट विस्तार हुआ है, चाहे बिलासपुर की बात करें चाहे कांगड़ा की बात करें, बिलासपुर के जरिए, धर्मानी के जरिए,
जो बीजेपी का गढ़ है उसको साधने की कोशिश की है और कांगड़ा में 15 में से 10 विधानसभा सीटें जीती हैं, तो वहां पर समीकरण एससी से गोमा आते हैं और एक खास वर्ग को साधने की कोशिश जो है कांग्रेस ने की है लोकसभा चुनाव से पहले। संजय जी, देखिए बिल्कुल जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न था कांगड़ा के साथ अनदेखी का, वो आज भी वैसे के वैसे ही कायम है जैसा एक वर्ष पहले था। एक वर्ष पहले भी जब विस्तार मंत्रिमंडल का किया गया था तो कांगड़ा को एक मंत्री दिया गया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में चाहे वो धूमल जी का था, चाहे शांता कुमार जी रहे हैं या जयराम जी थे, तो कांगड़ा के महत्व को किसी ने भी कम करके नहीं आंका। यहां तक कि कांग्रेस की जब सरकारें बनी है वीरभद्र सिंह ने भी कांगड़ा के महत्व को कभी भी कम करके नहीं आंका। यहां तक कि जब संयुक्त पंजाब में भी हिमाचल प्रदेश आता था तो उस समय भी कांगड़ा की अनदेखी जो है वो उस मंत्रिमंडल में भी नहीं की गई थी, उसमें भी चौधरी हरिराम जो है वो मंत्री बनाए गए थे, कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। तो आज भी प्रश्न वहीं का वहीं खड़ा है कि जहां से सत्ता का रास्ता जो है वो कांग्रेस पार्टी को दिया गया, वहां से आप केवल पहले आप एक मंत्री बनाते हैं, दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार करते हैं, आप केवल दो मंत्री बनाते हैं, जहां से आपको 10 सीटें जो है वो पार्टी जिता करके भेजती है। वो दूसरी तरफ आप अगर शिमला संसदीय क्षेत्र रखें तो वहां पे 5 मंत्री आप जो है वो मंत्रिमंडल में लेते हैं, तो कहां का क्षेत्रीय संतुलन आप बनाने का आप दिखा रहे हैं, कैसा प्रयास आपने किया? आप कह रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू राजनीति के मंजे खिलाड़ी हो गए, मुझे तो बिल्कुल आज भी जो है वो पूरे के पूरे अनाड़ी लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार में एक बार फिर से कांगड़ा जिला की जो है वो पूरी तरह से अनदेखी की है। तो इसलिए जो है, क्योंकि वहां पे भी आप अगर कह रहे हैं कि जातीय संतुलन देखा है तो जातीय संतुलन बिल्कुल नहीं देखा, क्योंकि वहां पे जो है वो गद्दी समुदाय भी आता है, वहां पे राजपूत समुदाय भी कांगड़ा जिला से आता है और ब्राह्मण समुदाय जो है वो भी वहां से आता है। तो कहीं जो है ना तो आप जातीय संतुलन बनाने में कामयाब हुए हैं, ना ही आप क्षेत्रीय संतुलन बनाने के लिए जो है वो कामयाब हुए हैं। तो इसलिए आज जो है, आज भी मुख्यमंत्री जो है जो वीरभद्र सिंह के साथ उनके मतभेद चलते थे वो उनको आज भी नकार नहीं पाए हैं, और उसी समय की खुन्नस जो है वो उनके समर्थकों के साथ आज भी निकाल रहे हैं। जबकि संगठन के अंदर आप देखते हैं आए दिन कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा जो है वो चाहे दिल्ली में जाती है या प्रदेश में अगर पत्रकारों से मिलती है या संगठन के भीतर भी वो अपनी आवाज उठाती है कि कांग्रेस पार्टी में उनके समर्थकों के साथ और वीरभद्र जी के समर्थकों के साथ अनदेखी हो रही है, उनको सरकार में स्थान नहीं दिया जा रहा है और उनको जो है उनके महत्व को, उनके साथ चलने वाले लोगों के महत्व को हर तरह से कम करके आंका जा रहा है। तो मुझे इस मंत्रिमंडल विस्तार में और मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति जो है वो चाहते हुए भी जो है वो पूरा एक मंत्री, अगर मुख्यमंत्री पूरे खिलाड़ी होते तो वो एक पद खाली नहीं रखते, क्योंकि भीतर से कहीं ना कहीं भय है और उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो इस मंत्रिमंडल विस्तार से जो है वो बगावत के बीज जो है वो जो बोए हैं वो कहीं ना कहीं अंकुरित होकर के फूट सकते हैं, इसलिए वो पूरा मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पाए और आज भी एक पद खाली रखा है, ताकि कहीं ना कहीं जो है वो उनके अंदर अपने समर्थकों में और वीरभद्र सिंह गुट बोल लीजिए या प्रतिभा सिंह गुट बोल लीजिए, उनके भीतर जो है वो कहीं ना कहीं भय है कि कहीं उनके खिलाफ बगावत ना हो जाए, इसीलिए जो है वो पूरा मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो एक साल बीत जाने के बावजूद भी जो है वो नहीं कर पाए। ठीक है, जवाब लूंगा तोमर साहब से मैं, लेकिन पहले मैं उज्ज्वल शर्मा जी के पास चलूंगा, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उज्ज्वल शर्मा जी, आप बता दीजिए, देखिए राजेश धर्मानी को मंत्रिमंडल में शामिल करना और गोमा को कांगड़ा से मंत्रिमंडल में शामिल करना, किस तरह से आप देखते हैं कांग्रेस को इसका क्या फायदा होने वाला है लोकसभा चुनाव से पहले, और बहुत सोच समझ कर एक पद जो है वो खाली रखा गया है? देखिए अनिल जी, मुख्यमंत्री ने जो कैबिनेट विस्तार किया है ये एक तरह से संतोषजनक माना जा सकता है, क्योंकि आपके हमीरपुर पार्लियामेंट्री से सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा कोई मंत्री नहीं था, बिलासपुर से एकमात्र धर्मानी जीते थे तो उनके लिए पहले से ही प्रेशर था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो सीएम के करीबी हैं और उनमें काफी पोटेंशियल है और 3 बार के वो एमएलए हैं तो उनका तो पहले से तय था। दूसरी बात, यादविंदर गोमा को कहीं ना कहीं जो एक क्षेत्रीय संतुलन बिठाने की बात हो रही थी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में और जातिगत समीकरणों को भी इसमें देखा गया, तो यादविंदर गोमा का भी नाम पहले से चर्चा में था।
तो कैबिनेट विस्तार में कुल मिला के कोई ऐसी नई बात, चौंकाने वाली बात नहीं आई, नहीं सामने आई। दूसरी बात, आप जेपी नड्डा का जो ग्रीक क्षेत्र है बिलासपुर, उसमें आपने मंत्री जो बनाए हैं उससे निश्चित तौर पे कांग्रेस को एडवांटेज मिलने की संभावना है अगले लोकसभा इलेक्शन में, क्योंकि बिलासपुर से लंबे समय से ऐसी बात उठ रही थी, बिलासपुर भाजपा का गढ़ भी है। दूसरी बात, जो अनुराग ठाकुर हैं उनके सरीखे जैसा अभी कोई कांग्रेस में ऐसा कैंडिडेट नहीं है, तो निश्चित तौर पे धर्मानी को इसमें कैबिनेट में लेना, वो कांग्रेस इसको जो वो सुखद मान सकती है अगले लोकसभा इलेक्शन में। कांगड़ा में जहाँ पे अनदेखी की बात हो रही थी, 10 में से आपने अभी तक एक ही मंत्री दिया है, शिमला में आपने 7 MLAs पे 3 मंत्री दे दिए हैं, तो काफी हद तक इस असंतोष को मुख्यमंत्री ने शांत करने का प्रयास किया है। जातीय समीकरणों की बात करें तो यादविंदर गोमा जो SC समुदाय से आते हैं, तो निश्चित तौर पे जो कांगड़ा वेल्ट है, कांगड़ा चंबा जो पार्लियामेंट्री है, तो इसका भी लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस फायदा ले सकती है। रही बात कि कांगड़ा में आपने 10 मंत्री दिए हैं और अभी भी इसमें जो अनबैलेंस है, तो देखिए मुख्यमंत्री ने बहुत ही सूझबूझ के साथ और इसमें उन्होंने अपना एक अनुभव भी दिखाया है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बहुत एक स्लो एंड स्टडी तरीके से और बहुत एक अनुभवी तरीके से फैसले लेते हैं, और उनकी एक दूरगामी सोच है। जैसे वो हिमाचल की बात करते हैं कि हम 5 साल में आत्मनिर्भर बनाएंगे, प्रॉस्परस बनाएंगे हिमाचल को, तो वो कुल मिलाकर कोई जल्दबाजी में नहीं थे कि कैबिनेट एक्सपेंशन, वो परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं कि कौन परफॉर्मेंस पे ठीक बैठता है। तो एक जो पोस्ट खाली रखी गई है वो इसीलिए रखी गई है कि अगर कोई असंतोष ऐसा आता है संगठन में सरकार में, तो उसको उसमें डैमेज कंट्रोल की तरह उसमें आगे ठीक है डैमेज कंट्रोल किया जाए बाद में, इसलिए एक पद खाली रखा है। JS तोमर जी, आपने संजय शर्मा जी को सुना होगा, वो तो साफ कह रहे हैं कि CM सुक्खू की राजनीतिक इच्छा जो है उस पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि वीरभद्र गुट के जो लोग हैं या प्रतिभा गुट के जो लोग हैं उनको फिर नजरअंदाज किया गया है। राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा, इनके नाम कहां गए? ये पक्के दावेदार थे, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। देखिए जी, हम पहले ये बात क्लियर कर चुके हैं कि जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस तरह से स्टेप ले रहे हैं, फैसले ले रहे हैं, उसमें इस तरह का सवाल उठाना अपने आप में बेमानी है। संजय जी ठीक है, वो विपक्ष से बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, प्रवक्ता है, इनका इस तरह से बोलना कि हमारे कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है या कोई असंतोष है, मुझे नहीं लगता असंतोष है। अगर राष्ट्रीय स्तर पे मैं बात करूं अनिल जी, जिस तरह से राजस्थान में इन्होंने मुख्यमंत्रियों के जो गले दबाए हैं और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में इन्होंने किया, मध्य प्रदेश में जिस तरह से इनके पूर्व मुख्यमंत्री रो रो कर जो है बैठकों से बाहर निकल रहे हैं, इसको जरूर आप कह सकते हैं कि ये एक अनदेखी करने वाली बात है। लेकिन जहां तक हिमाचल की बात है, मुझे लगता है कि जो एक पद खाली रह गया है जो मंत्री को लेकर मुख्य सचेत तक, एक उप मुख्य सचेत तक का पद है, 2 पद और रह गए हैं, उपाध्यक्ष का पद अभी भरना बाकी है। मुझे लगता है जब पूरा मंत्रिमंडल तैयार हो जाएगा, उपाध्यक्ष बन जाएंगे और आपको लगेगा कि जब लोकसभा में हमारे को एक बहुत हिमाचल की जनता जो है एक बहुत आशा के अनुरूप जो एक परफॉर्मेंस देगी और जो उनकी तरफ से फीडबैक लेगा लोकसभा चुनाव में, मुझे लगता है कि विपक्ष के पास ये मुद्दा भी नहीं रहेगा। विपक्ष के पास अभी तक मुद्दा नहीं है, अब ये इनके पास सिर्फ हमारे को एक टारगेट करते हैं, होली लोस को अलग करते हैं और उधर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री जी को अलग करते हैं, फिर ये कहेंगे कि उधर कांगड़ा के लोग नाराज है। मुझे लगता है कि जो सरकार काम कर रही है, जिस तरह से बिना दिखावे के काम कर रही है, बिना बयानबाजी के काम कर रही है, साइलेंटली लोगों की सेवा कर रही है, लोगों के हितों के साथ जो है आगे बढ़ रही हिमाचल को लेकर, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष के पास सिर्फ ये बोल देना कि प्रतिभा सिंह जी क्या कह रहे हैं या सुखविंदर सिंह सुक्खू जी क्या कर रहे हैं, मेरा मानना है कि बिल्कुल भी निराधार है। लेकिन एक बात समझिए, हिमाचल के मंत्रिमंडल में 2 ब्राह्मण जाति से संपर्क करते हैं, चाहे आप उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी की बात करो, धर्माणी जी की बात करो, OBC से ले लीजिए आप, चंद्रमोहन जी को ले लीजिए, वो OBC से आते हैं, SC के 2 मंत्री काम करें। मुझे लगता है जिस तरह से हिमाचल में वोट बैंक है, 18% हिमाचल में लगभग ब्राह्मण का वोट बैंक है, 25% से ज्यादा OBC का है, 25% से ज्यादा जो है राजपूत समाज का है, तो सभी लोगों को
सभी जातीय समीकरण को, क्षेत्रीय समीकरण को जो एक समावेश आप देख रहे हैं वो अभी आपको हिमाचल प्रदेश के ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो कैबिनेट है, कैबिनेट के बाद जो काम करने का तरीका है वो अपने आप में ये मान रहे हैं, दिल से विपक्ष भी मान रहा है कि पार्टी जो है, प्रदेश की सरकार जो बेहतर काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि इनको इस चीज का और समय का इंतजार करना चाहिए। आपको एक और मंत्री भी मिल जाएगा, उस पर भी कोई सवाल नहीं उठेगा पार्टी के अंदर ना बाहर, और आपको उपाध्यक्ष भी मिल जाएगा, मुख्य सचेतक भी मिल जाएगा, और कांग्रेस पार्टी अपना काम जो है 5 साल प्रदेश हित में करेगी, और जो व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा दिया है। तोमर साहब, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है, संजय शर्मा जी, तोमर जी बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों को भड़काने का काम कर रहा है विपक्ष, बीजेपी वाले, आप इसका जवाब भी दीजिएगा। और दूसरी चीज ये बताइए, राजेश धर्मानी जी को मंत्री बनाया गया है, आपको क्या लगता है, नड्डा जी का गृह जिला है, कितनी सेंधमारी कांग्रेस कर सकती है वहां पर? हालांकि जिस तरह से उज्ज्वल शर्मा जी ने बताया कि अनुराग ठाकुर जैसा कैंडिडेट कांग्रेस के पास अभी तक नहीं है, किसी का नाम नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। देखिए, विस्तार करना नहीं करना, कहां से करना, कौन मंत्री बनाना कौन मंत्री नहीं बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। हम तो विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष के नाते जो जनता की आवाज है उसको सरकार तक पहुंचाना, और अगर कोई कहीं सरकार गलत करती है तो उनकी गलत नीतियों को उजागर करना, ये हमारा कर्तव्य है, और हमें उसका जनादेश उसके लिए मिला है, जनता ने दिया है, हम विपक्ष में बैठे हैं, और विपक्ष की आवाज क्या है उसको, लोगों की आवाज को हम बुलंद करते रहेंगे। जो भी फैसला जो है, अगर सरकार का जनहित में नहीं होगा या जनहित के विरोध में होगा तो उसके आवाज उठाना हमारा कर्तव्य बनता है। मंत्रिमंडल का विस्तार उनकी मर्जी है, किसको करना है किसको नहीं करना है, लेकिन आप सरकार की हालत आप देख लीजिए कि अभी 2 रोज पहले सरकार जो है वो अपना 1 वर्ष का कार्यकाल का जश्न मनाने के लिए धर्मशाला आई, और बहुत जोर शोर से तैयारी की गई कि उस जश्न के लिए जो है वो इनकी राष्ट्रीय महासचिव वो भी पहुंच रही है, वो हिमाचल में पहुंच चुकी थी, और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी जो हैं वो भी उसमें आएंगे, लेकिन ना खड़गे आए ना प्रियंका गांधी आई, और उसके अगले दिन आनन फानन के बीच में जो है ये विस्तार करना, ये खुद दिखाता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के अंदर और प्रदेश को किस तरह से इनका राष्ट्रीय नेतृत्व आंकता है, और इसके उसके अंदर सरकार की रेटिंग का यहीं से पता लग जाता है कि इनके नेता प्रदेश में मौजूद होने के बावजूद जिनकी घोषणा की गई थी, और मुख्यमंत्री ने 11 बजे का कार्यक्रम रखा था, लेकिन 11 बजे से वो सुबह से लेकर के दोपहर को 12 बजे तक जो है वो अपनी राष्ट्रीय महासचिव को मनाते रहे कि वो उनको धर्मशाला चलना चाहिए, वो नहीं पहुंची, तब जाकर के मुख्यमंत्री जो है वो 1:30 बजे जो है वो धर्मशाला पहुंचते और खुले केवल अकेले आते हैं, कोई इनका राष्ट्रीय नेता जो है, क्योंकि प्रभारी के नाते शुक्ला जी को आना था वो आ गए, लेकिन उसके अलावा कोई नेता जो है वो इनका नहीं आया, और उसके अगले दिन मंत्रिमंडल का विस्तार कर देना, ये सब कुछ दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो है वो पूरी तरह से कार्य ठीक नहीं चल रहे हैं, यानी विपक्ष अभी मानता है कि ना हिमाचल में नेतृत्व के बीच में तालमेल नहीं है, हिमाचल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आनन फानन में ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं, लेकिन उसमें भी क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन अभी तक भी प्रदेश के अंदर जो है, अगर कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने पूरी तरह से किया है तो वो नहीं किया है, वो देखने पे जो है वो सारी तरफ आ रहा है। मैंने पहले भी कहा कि शिमला को देखिए और कांगड़ा को देखिए, शिमला का महत्व इनके लिए अधिक हो जाता है और कांगड़ा का महत्व इनके लिए कम रहता है। जहां तक रही कि धर्मानी जी का, तो धर्मानी जी के आने या नहीं आने से जो है वो कोई फर्क जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के क्षेत्र में या राष्ट्रीय अध्यक्ष को, ना ही हमारे केंद्रीय मंत्री और वहां के सांसद अनुराग ठाकुर, ठीक है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे धर्मानी आए चाहे कोई आए, ठीक है संजय जी, मंडल जो है वो, हाँ ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाजपा को, आपकी बात सुन ली। मैं छोटा सा सवाल उज्ज्वल शर्मा जी आपसे लेना चाहूंगा, आप ये बताइए मुझे कि अगर उज्ज्वल जी, उज्ज्वल जी छोटा सा सवाल आपसे कि अगर जो नाराज लोग हैं, क्या क्योंकि कैंडिडेट जो है लोकसभा के लिए कांग्रेस के पास नहीं है, क्या कुछ मंत्रियों को लोकसभा में भी उतार सकती है शिमला और कांगड़ा सीट से? अनिल जी, उज्ज्वल शर्मा जी, अनिल जी मैं आऊंगा आपके पास। अनिल जी, ये तो आपने क्वेश्चन किया है, ये तो आपने कांग्रेस को लेके सवाल किया है कि क्या कांग्रेस जो है वो इस इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में मंत्री, हाँ, क्योंकि दावेदार बहुत हैं, तो वहां फिर कुछ सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेगी कांग्रेस जल्दी से 10 सेकंड में?
देखिए इसमें अभी एक अभी इसमें कुछ भी इस तौर पे तो नहीं आंका जा सकता, लेकिन जब हम पिछली इतिहास देखें हिमाचल का, तो हिमाचल में जो एक स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर होते हैं, जो मिनिस्टर होते हैं उनको भी जो है वो पार्टियां इलेक्शन में उतारती हैं, जो पिछला पॉलिटिकल इतिहास रहा है। जैसे आपके पास कांगड़ा में फेस नहीं है तो कांगड़ा में भी आपके पास विकल्प होगा मिनिस्टर का, आपके पास शिमला पार्लियामेंट्री में भी ऐसा कोई दमदार फेस उस इस लेवल का नहीं है, तो ये संभावना बनी रहती है। तो इसमें जो है वो ये तो कांग्रेस को तय करना है, लेकिन संभावना है राजनीति में। ठीक है, यानी शिमला और कांगड़ा से मंत्रियों को लोकसभा चुनाव में उतारा जा सकता है, ये भी संभावना है, और वहां फिर नाराज लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है। तो संभावनाएं बहुत सारी हैं राजनीति में। आप सब जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त आपने दिया। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार लंबे वक्त बाद हुआ और एक पद फिर भी खाली है। अब उसमें दावेदार कई है, लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं, क्या लोकसभा से पहले उस पद को भरा जाएगा या बाद में, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप जुड़े रहिए इंडियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।